यूनिवर्सिटी एग्जाम 2022 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहेंगे और 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। किस यूनिवर्सिटी की अपडेट है, क्या पैटर्न बदला है, कैसे एग्जाम होगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हों, ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हों, तो चैनल साथ जुड़ जाइए। हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर हम आपको कटिंग्स, नोटिफिकेशन, टाइम टेबल शेयर करते हैं और करते रहेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आप बातों को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वे भी अपडेटेड रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले साल आयोजित परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को पूरे प्रश्न पत्र में से कोई 5 प्रश्न हल करने की छूट दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि पहली बार जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें केवल 5 क्वेश्चन करने का अनुमति दिया गया था, मतलब छूट दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी रूल नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र लगभग 2.5 महीने पीछे चल रहा है। महामारी से पहले 8 सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाती थीं और दिसंबर के अंत तक समाप्त हो जाती थीं। अब ये परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कोविड की वजह से अभी भी 2.5 महीने लेट चल रहा है। पहले ये नवंबर में एग्जाम होते थे, इस बार ये फरवरी में होगा और 15 फरवरी से होगा। तो कहाँ की अपडेट है इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो अपडेट है आप देख सकते हैं कि विभिन्न कॉलेजों में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की 8 सेमेस्टर, ठीक है, तो जो 8 सेमेस्टर की एग्ज़ाम हैं आपके महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की, वो 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और छूट दी गई है कि परीक्षाएं ऑफलाइन व ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, दोनों तरीके से एग्ज़ाम होंगे। ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति केवल उन विद्यार्थियों की को मिलेगा जो कि कोरोना से संक्रमित हों। इसके अलावा विदेश में और हरियाणा व दिल्ली से बाहर के राज्यों में रहने वाले विद्यार्थी हों तो वे छात्र भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप बातों को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए नया इन्फो के साथ।